एमआई की तरफ से आपको एक नया पावर बैंक देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होने वाला है मी पावर बैंक 3। तो इसके अंदर आपको मिलता है 30,000 एमएच का बिग बैटरी। जी हाँ, बहुत ही बड़ा पावर बैंक होने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा, एकदम स्लिक डिजाइन के साथ, जैसे आपको हर एक एमआई के पावर बैंक में देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और उसी के साथ यहाँ पर आपको 24 वाट का इनपुट भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्या है, मैं आपको एकदम सिंपली समझाता हूँ। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पावर बैंक को चार्ज करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली 30,000 एमएच का बिग बैटरी इस पावर बैंक में आपको मिलता है। सो देखिए, इसीलिए एमआई ने इसके अंदर 24 वाट का इनपुट दिया है, यानी कि आप इस पावर बैंक को तेजी से चार्ज कर पाएंगे। शायद ये 3 से 4 घंटे ले लेगा फुल्ली चार्ज होने में। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक 30,000 एमएच का बैटरी को ये इतने तेजी से चार्ज कर देगा। और इसके पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और इसी के थ्रू आप अपने पावर बैंक को भी चार्ज कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपने गैजेट्स या फिर स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे इसी यूएसबी टाइप सी पोर्ट के थ्रू, जिसके अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जी हाँ, इस यूएसबी टाइप सी पोर्ट में आपको इनपुट मिलता है 24 वाट का और आउटपुट मिलता है 18 वाट का। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कूल फीचर मिल जाएगा। और बात करें दूसरे पोर्ट्स की तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलेगा और एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑल टोटल आपको 2 पोर्ट्स में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आपको एक और अलग सा फीचर मिलेगा लो वोल्टेज मोड का, यानी कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच या फिर कोई छोटे मोटे गैजेट्स हैं जो आप इस पावर बैंक के थ्रू चार्ज कर पाएंगे और वो भी लो वोल्टेज मोड में, जिससे आपके गैजेट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि ये आपके फोन को कितने बार चार्ज कर पाएगा। तो अगर आपके पास 4000 एमएच का बैटरी है तो इस पावर बैंक से आप 5 बार फुल्ली चार्ज कर पाएंगे अपने फोन को। और अगर आपके पास 5000 एमएच का बैटरी है तो आप इस पावर बैंक से 3 से 4 बार चार्ज कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई लॉन्ग टूर करते हैं या फिर अगर आपका घर का बिजली उतना भी ज्यादा सस्टेन नहीं करता है तो आपके लिए ये पावर बैंक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये पावर बैंक अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद ये पावर बैंक आपको इंडिया में 2000 से 2500 के आसपास देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ आपको एमआई की तरफ से और भी बहुत सारे पावर बैंक देखने को मिल जाएंगे, जैसे 10,000 एमएच का पावर बैंक जो आपको 900 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, या फिर 20,000 एमएच का पावर बैंक जो आपको 1,500 रुपए में देखने को मिलता है। तो अगर आप उन पावर बैंक को भी खरीदना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एमआई पावर बैंक 3 कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।